इसके देखो ये थाई सपोर्ट जो बनाया हो ना, थाई सपोर्ट आपने बनाया है आगे पूरे करोलबाग के अंदर। हाँ, फुल चैलेंज कोई बना के नहीं सकता इससे, पूरे करोलबाग के अंदर कोई नहीं बना सकता है, ये आप ही बनाते हैं यहाँ पर। हाँ, थाई सपोर्ट मैं ही बनाता हूँ, जिस तरह फिटिंग देखो, रिंकल नहीं है, कुछ छू के देखो इसको, फील कर सकते। ये थार के अंदर रूफ का काम चल रहा है, तो इसमें भी क्या लगा रहे हो भैया आप? फेविकोल लगा रहे हो, तो इस पे आप वो फॉर्म चिपकाओगे? पहले फॉर्म का पीस जो कटा हुआ रखा है, ये फॉर्म का फिर अभी लगेगा पीस, आप जितनी मोटी फॉर्म लगेगी अभी इसमें। तो ये सीट कवर तैयार हो चुका है थार का, कुछ ये फिटिंग है इसकी, पूरी प्रॉपर स्टिचिंग के साथ है, एक भी तरफ रिंकल नहीं है। ये भैया यहाँ पर काम करते हैं, निक्कू भैया के पास। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाना था थार, BH नंबर है यार से ये गाड़ी, निक्कू भाई के पास, निक्कू कार डेकोर के अंदर। तो इस गाड़ी के अंदर सीट कवर का काम होने वाला है, अभी इसमें डैम्पिंग हुई है, देख सकते हो आप फ्लोर के अंदर डैम्पिंग हुई है, पूरी लुक है इसके अंदर, फ्लोर के अंदर डैम्पिंग हुई है और सिस्टम में काम नहीं है, इसका सीट कवर का काम हो रहा है और छत बनेगी इसकी पूरी की पूरी, रूफ का काम होगा इसके अंदर पूरा, और अभी इसके अंदर डैम्पिंग हुई है, ये ब्लॉक बास्टर की डैम्पिंग हुई है, इसमें कारपेट लग गया ना ऊपर से तो दिख नहीं रही, पर इसमें डैम्पिंग हो चुकी है, पूरे फ्लोर के अंदर डैम्पिंग हुई है, सिस्टम में इसमें स्पीकर चेंज नहीं हुए हैं, पर डैम्पिंग पूरी हुई है, और इसमें स्टीयरिंग रैप वगैरह होगा। ये पूरी गाड़ी की लुक है, पर गाड़ी खुल चुकी है, ये ड्राइवर साइड की लुक है, इसमें स्टीयरिंग रैप भी होगा ना भाई, स्टीयरिंग रैप भी होगा, पूरी छत का इसका रूफ बनेगी, जैसे तो काम होता जा रहा हूँ आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये कुछ लुक है गाड़ी की, अभी अभी बिफोर लुक है, आफ्टर लुक भी आपको शेयर करूंगा। ये थार की सीट कवर है, इसमें फिनिशिंग हो रही है, फिटिंग हो रही है पूरी सीट कवर की, ये भैया फिटिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी फिटिंग हो रही है थार की सीट कवर की, ये बैक सीट्स है थार की दोनों, और ये फ्रंट सीट है, ये डिजाइन है, अभी जैसे लगेगी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप लोग, ये थार के अंदर रूफ का काम चल रहा है, तो इसमें भी क्या लगा रहे हो भैया आप? फेविकोल लगा रहे हो, फेविकोल लगा रहे हो, तो इस पे आप वो फॉर्म चिपकाओगे पहले? हाँ, फिर कपड़ा चढ़ेगा उसके ऊपर, मतलब फॉर्म पे पहले कपड़ा चढ़ा के फिर चिपका दोगे सीधा? पहले थर्माकोल लगेगा, थर्माकोल लगने के बाद कपड़ा इस पे पेस्ट होगा, थर्माकोल लगाओगे पूरी, अभी इसमें भैया फेविकोल लगा रहे पूरी सीलिंग पे, ये प्लास्टिक की होती है ना? ये पूरा प्लास्टिक है, इसको पूरा भैया फॉर्म लगा के तो कपड़ा चढ़ा के बिल्कुल लेदर वाली लुक दे देगी ना। अभी जब भैया इसमें फॉर्म लगा, जब मैं आपको दिखाता हूँ अभी कुछ ऐसी लुक है, गाड़ी पूरी खुली पड़ी है, सीट कवर बनने गए हुए, फॉर्म का पीस जो कटा हुआ रखा है, ये फॉर्म का फिर अभी लगेगा पीस, देख सकते हो आप जितनी मोटी फॉर्म लगेगी अभी इसमें, ये अंदर भैया फेविकोल लगा रहे हैं ये पूरी रूफ में, ये थर्माकोल आ गई है अब इसकी ने फॉर्म, अब ये पेस्ट होगी, पर चिपकाना मत अभी, ठीक है? ऐसे कुछ लुक है, तो कटिंग करनी पड़ती है ना साइड से इसकी, ये भैया ने भी लगाई है यहाँ पर, बहुत तगड़ी की लुआ इसकी, अभी से ही चीजें मिल रही हल्की सी, छत पे अभी पूरी फॉर्म लग चुकी है, देख सकते हो आप, अभी इसमें कपड़ा चढ़ेगा,
तो ये सीट कवर तैयार हो चुका है थार का, कुछ ये फिटिंग है इसकी, पूरी प्रॉपर स्टिचिंग के साथ है, एक भी तरफ रिंकल नहीं है। ये भैया यहाँ पर काम करते हैं, निकू भैया के पास। तो भैया क्या काम कर रहे हो अभी? कटिंग कर रहा हूँ। अभी कटिंग कर रहे हो? ये पूरी कटिंग हो रही है इसकी, कटिंग करके लगता है? नहीं, सिलाई देनी पड़ती है। अच्छा, अभी रॉड लगाओगे इसके अंदर, इसी कटिंग करोगे? नहीं नहीं, ये इसमें तार डलेगा। तार डलेगा, ये जो कपड़ा है ये इसमें ऐसे ही रहेगा अंदर? ये देखो, ये रॉड है। हाँ, ये रॉड इसमें लगा दिया। लगा दी, ठीक है। हाँ, ये रॉड इसमें लगा दिया। अच्छा, दोनों बीच में और साइडों में लगती है रॉड। ये कपड़ा ऐसे ही रहता है कंपनी का? कल को उतार के इसको सील ना जाए तो सील लगता है ना बंदा, एक ओरिजिनल बन जाएगी दोबारा। 5 साल ये चलेगा तो कौन लगाता है? तो नहीं लगाता, बट ये है ना कि ओरिजिनल तो है ना अंदर कपड़ा, ये ओरिजिनल ही अब सेफ हो गया ना, अब तो परफेक्ट बन चुका है, ये ओरिजिनल ही हो गया। हाँ, तो अभी इसमें आप इसमें रॉड लगा के इसमें करना शुरू करोगे? क्लिप लगाऊंगा। क्लिप लगाओगे? क्लिप लगाओगे? लगाओ। ये क्लिप लग गई, तो मतलब इसको टाइट करना पड़ता है क्लिप को? टाइट है, जब ही तो टाइट होगा, जब फिटिंग आएगी। ये एको क्लिप लगा रहे हैं, ओरिजिनल शेप होता है ना। हाँ, बकेट वाली पूरी फर्निशिंग है ना ये। भैया यहाँ पर कपड़ा लेके आ चुके हैं, कपड़े की फिटिंग होगी। तो ये भी फेविकॉल से चिपकता है भैया? ये भी फेविकॉल से होती है, ये पेस्ट हो रहा है इसमें, जो हमने नीचे फॉर्म लगाई थी उसके ऊपर पेस्ट हो रहा है। उसके बाद इसकी कटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये सब चीजें लगी हुई है वाइजर वगैरह, इससे पूरा करेंगे, सनशेड से कटिंग होगी। फिर हैंडल ग्रिप जो होती है उसकी भी कटिंग होगी, यहाँ से प्रॉपर फिटिंग करिए। इसकी टाइम लैप्स शो करता हूँ मैं आपको। पूरी परफेक्ट फिटिंग कर रहे हैं भैया। भैया हीट से बचाती नहीं, हीटिंग भी नहीं आती अंदर, हीट से भी आएगा कि तो गर्मियों में तो हीटिंग की दिक्कत होती है, गाड़ी गर्म तो लेनी होगी, ठंडी रहेगी। पीछे क्यों नहीं लगा रहे इसमें? मना कर रहे कस्टमर? कस्टमर की चॉइस है, पीछे नहीं लगा रहे कस्टमर, आगे लगवाइए। इसमें फॉर्म लगी है, उसके बाद ये कपड़ा चढ़ा है, तो कुछ ऐसी लुक है इसकी। पूरा फिनिशिंग वाली तो मैं दिखाता हूँ आपको। सीट फिटिंग का काम चल रहा है इसमें, ये भैया सीट फिटिंग कर रहे हैं इसकी। सीट कवर लग चुके हैं, फिट होती है जब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पूरी सीट की लुक है, यहाँ पर फिट हो चुकी है, ये थाई सपोर्ट इसमें बढ़ाया है। ये कुछ है इसकी फिटिंग थार की सीट कवर की। अभी ड्राइवर सीट लग चुकी है और पैसेंजर सीट लग चुकी है, देख सकते हो आप, एक नंबर की फिटिंग है, बिल्कुल 0-0 है, बहुत बढ़िया फिटिंग है। निक्कू भाई के यहाँ पर काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। इसकी रूफ में भी ये कपड़ा चढ़ा है और ये सीट्स लगी है। अभी बैक सीट लगेगी जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बैक सीट लग चुकी है यहाँ पर, ऐसे कुछ है इसकी फिनिशिंग, उसमें भी मैं था देख सकते हो आप। तो ये तो थार है, इसमें फिनिशिंग हो चुकी है, सीट कवर की फिटिंग हो चुकी है। थार गाड़ी है। हाँ, ऑफ रोडिंग के लिए। हाँ, देखो इसके, देखो ये थाई सपोर्ट जो बनाया हो ना, ये थाई सपोर्ट आपने बनाया है आगे पूरे करोल बाग के अंदर। हाँ, फुल चैलेंजर कोई बना के नहीं सकता, पूरे करोल बाग के अंदर कोई नहीं बना सकता है, ये आप ही बनाते हो यहाँ पर। थाई सपोर्ट मैं ही बनाता हूँ, जिस तरह की फिटिंग देखो, छू के देखो इसको, फील कर सकते हो गाइस, बिल्कुल आप तो गाइस फील नहीं कर सकते, बट यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग हुई है,
और फिटिंग बहुत अच्छी हुई है, एक भी रिंकल नहीं है थार गाड़ी के अंदर स्पेशली, क्योंकि थार गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई है। उसके बाद भी इसमें आपको थाई सपोर्ट बढ़ाना पड़ता है ना, थाई सपोर्ट बढ़ाना पड़ता है। इसमें बढ़ाया है, इसमें फॉर्मिंग करी है और पूरी अच्छी फिनिशिंग है, अनिल भैया ने लगाया। बैक सीट की भी लुक दिखा सकता हूँ आपको मैं, बैक सीट में भी कोई रिंकल नहीं है, मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है थार गाड़ी के अंदर। बाकी काम इसका हाँ होगा, आज इसका खाली सीट कवर काम था, इसका सीट कवर का काम था, आप और भी दिखाएंगे इसमें सब काम होना, बहुत सारा काम होना भी, और इसमें एक छत का काम भी तो हुआ है। हाँ, ये छत ब्लैक हुई है, पूरी ब्लैक हुई है, कस्टमर की डिमांड थी हीट बहुत होगा भाई। हाँ, तो इसमें अंदर से फॉर्मिंग करके उसका कपड़ा सड़ा होगा, मतलब छत तो इसकी प्लास्टिक की है, इसमें आपने पहले ग्लू से चिपकाया है इसको, तो पेस्टिंग इसी उतरती तो नहीं है ना, नहीं उतरती, कितना चल जाती है, 5 साल, इसमें 5 साल की गारंटी है। सीट कवर में प्लास्टिक, और ये सीट कवर की कॉस्टिंग बता दो एक बार। ये सीट कवर कम से कम देखो, सीट कवर वही 6-7 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है। हाँ, पर जो ये सीट कवर है 9,500 की, ये 9,500 रुपए की है, इसमें सारा आपको इंक्लूड करके दे रहे हो ना, ये टायर सपोर्ट वगैरह फिटिंग, और ये चीज भी इसकी बढ़ाई है क्या? हाँ, ये भी इसमें हाई कुशनिंग है इसके अंदर, मतलब आपके पास ही हो सकता है ऐसा काम। हाँ, और इतनी फिनिशिंग से हो सकता है, इतनी फिनिशिंग मैंने कई लोगों ने देखी, आप पर यहाँ देखिए। तो ऐसी कुछ थी आज की मेरी वीडियो, तो बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो जब तक के लिए बाय बाय।